सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। 32,127 सैन्य बहनों के लिए आवश्यक सूचना। अभी अभी सुरजीत सर सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में मैसेज के माध्यम से 32,127 सैन्य बहनों को अपडेट किए हैं। जल्दी जल्दी जानिए पूरी जानकारी। सभी 32,127 सैन्य बहन देख रहे हैं इधर और ये मैसेज किए हैं, उसके बाद से लोग मैसेज मैसेज खेल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं इस मैसेज में क्या है, आखिर क्यों लोग मैसेज मैसेज खेल रहे हैं। सुप्रभात, सुबह में ही मैसेज किए थे लगभग 10:30 बजे के आसपास। भाइयों एवं बहनें, आप सभी को पर्वत ग्रुप के क्रांतिकारी भाइयों एवं बहनों को सूचित करते हुए बताना चाहता हूं कि अर्चना कुमारी जी का, ठीक है देख लीजिए, अर्चना कुमारी जी का काउंटर फाइल हेतु उनके वकील कल हमारे वकील सम्मान वर्धन गौतम सर से संपर्क किए। अर्चना कुमारी के जो एडवोकेट है वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो हमारे एडवोकेट से क्या किए, संपर्क किए, ठीक है संपर्क किया, और बीना कुमारी के जो काउंटर फाइल की गई है उसकी फोटोकॉपी मांग रहे थे, लेकिन हमारे सम्मान वर्धन सर ने उन्हें तत्काल उन्हें कॉपी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब हमारे वकील साहब को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि हमेशा एक रास्ते पे एक जगह पे लोग नहीं रह रहे हैं। तो आप लोग सही से समझे कि काउंटर फाइल बनाने में कितनी मेरिट और मेहनत की आवश्यकता है, और यहाँ लोग डिंग हाँक रहा है कि मेरे वकील ये है तो 35 साल का अनुभव है और काउंटर फाइल बनाने में दूसरे की काउंटर फाइल की कॉपी लेकर नकल करना चाह रहे हैं, इसीलिए जिनको काउंटर फाइल करने में ये स्थिति है वो जज साहब के सामने खड़ा होकर बहस क्या करेंगे। आप लोग खुद समझे ये बहुत बड़ी गलती लोग कर रहा है कि जूनियर वकील हटाकर जूनियर वकील रखा, वो भी शिवम जी से भी नीचे स्तर का, क्योंकि शिवम जी को कम से कम केस के बारे में जानकारी थी और ये नए वकील को अभी समझने में समय लगेगा, क्योंकि शिवम जी को अभिनव श्रीवास्तव सर गाइड कर रहे थे और अभिनव श्रीवास्तव केस को शुरू से ही कोई पता है, अभिनव श्रीवास्तव सर जो सिंगल मैच में हम लोग को केस में लड़ रहे थे। चलिए आगे देख लीजिए। ये दूसरा है, सिर्फ लोग मैसेज मैसेज खेल रहा है वो हम आपको बता दिए। एक और होगा, चलिए ये मैसेज है, क्योंकि शिवम जी को अभिनव श्रीवास्तव सर गाइड कर रहे थे और अभिनव श्रीवास्तव सर केस को शुरू से जान रहे थे, इसीलिए ये जानबूझकर केस को, ठीक है हमें लगता है फंसा रहा है जूनियर अनजान वकील को रखकर। खैर इस बार अंतिम मौका है, अगर अर्चना जी का वकील काउंटर फाइल समय से नहीं किया तो उसकी भी काट मेरे वकील ढूंढ लिए हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन हमें ये लगता है कि जो इतना डिंग हाँक हाँक कर अर्चना जी को हमसे अलग करवाया था कि मैं ये मदद करूंगा, मैं ऐसे ही हूँ, आज उसकी औकात कहाँ चली गई जो एक सीनियर वकील भी नहीं रख पाया, ऐसे डिंग हाँकने से क्या फायदा हुआ जो सभी 32,127 सैन्य बहन की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसीलिए अभी भी समय है सचेत हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जरा सा भी गलती कुछ हुई तो उसके वकील को साबित करनी पड़ेगी कोई भी फैक्ट चला था। सीनियर वकील, ठीक है पटवालिया और हर्षवर्धन सर को रखने और रख लिया जूनियर चला था, पटवालिया और हर्षवर्धन को रखने के लिए, ठीक है और जूनियर रखा वीरेंद्र कुमार शर्मा को, जिनकी कोई सुप्रीम कोर्ट में औचित्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एओआर है। इसीलिए भाइयों एवं बहने अब साफ हो गया है कि 32,127 सैन्य बहने के भविष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ सुरजीत जी की पर्वत ग्रुप की टीम काम कर रही है, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ लंबा लंबा डिक हाँक रहा है, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद संयुक्त मंत्री सुरजीत सर ये फर्स्ट में मैसेज किए थे, उसके बाद लोग इसके कटाक्ष में जो है ना ऑडियो वायरल किए, जो है ना ये अपने एडवोकेट से बात किए, मैसेज वायरल किए, उसके बाद फिर से जो है ना, क्योंकि इसको मिर्ची लगा जो सर तो सच्चाई लिख दिए, तो फिर से जो है ना लोग ऑडियो वायरल के लिए हर चीज करने लगा। तो उसके बाद देखिए सर फिर से एक मैसेज डाले, फिर से एक मैसेज लिखे, ये भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं।
देखिए यहां से जो तीसरी बार झूठ का पर्दाफाश, प्रबुद्ध ग्रुप के सभी भाइयों बहन है, अभी अभी एक ऑडियो वायरल हुई है जो ऑडियो लोग वायरल कर रहा था, जिसमें अर्चना जी के वकील से शत्रुधान जलसाद बात करते हैं दिख रहा है, जिसमें बोल रहा है कि आप सम्मान सर से बीना कुमारी के काउंटर फाइल मांगे हैं, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई मैं कोर्ट में मांगा हूं, लेकिन जब ये स्टेज देखकर पूछा तो उन्होंने दोबारा बोला कि मैं काउंटर फाइल की कॉपी केस की सुनवाई के दौरान जज साहब से मांगा कि जो काउंटर की गई है मुझे भी एक दी जाए। अब ये तो सभी लोग समझ गए हैं कि उनके वकील अब कोई काउंटर नहीं करेंगे, बिना की कॉपी का नकल होगी, यही बात है मैं लिखा। अब देखिए झूठ का खुलासा, जब अपनी केस की सुनवाई 18/10/2024, केस की सुनवाई कब हुई, 18 को हुई, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, 18/10/2024 को रजिस्ट्रार की यहाँ थी, तो उस दिन अर्चना जी के वकील 4 सप्ताह का सिर्फ समय मांगा कि काउंटर फाइल के लिए मुझे समय दिया जाए, जो साफ साफ ऑर्डर में दिख रहा है, जो कि हम आपको उसी दिन 18 को बता दिए थे, वीडियो बना के और पढ़ा भी दिए थे, हम पढ़ के सुना भी दिए थे लाइव में ही। लेकिन यहाँ इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, जिसको खुलासा कर रहा हूँ भाइयों बहनों, मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि एनएम की केस की सुनवाई दिनांक 18/10/2024 के बाद हुई है क्या, जो ऑडियो में बोला जा रहा है कि केस की सुनवाई के दौरान जज साहब के सामने समान वर्धन गौतम सर से एक कॉपी बीना कुमारी की काउंटर फाइल मांगी है, जो सरासर देखिए फाइल मांगी है, जो सरासर गलत है, क्योंकि रजिस्ट्रार के यहाँ 18/10/2024 के सुनवाई के बाद एनएम की केस की सुनवाई कभी हुई ही नहीं है, तो कैसे कोर्ट में बहस के दौरान कॉपी हमारे वकील सम्मान सर से मांगी गई है, इसलिए जब केस की सुनवाई हुई नहीं तो कॉपी जज साहब से मांगी कहाँ गई, जो बहुत ही बड़ी झूठ साबित होती दिख रही है। 18 के बाद बताइए कोई सुनवाई ही नहीं हुई, एनएम की सुनवाई हुई है केस की 18 के बाद, तो कोई सुनवाई नहीं हुई, तो बताइए जब 18 को सुनवाई नहीं हुई तो फिर कैसे मांगा गया, अभी बताए जब संपर्क नहीं है समान वर्धन गौतम सर से इनका एडवोकेट किए तो फिर कैसे मांगे, हमको ये बताए, जब 18 के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, जब यही बात सर फर्स्ट मैसेज में लिखे थे तो लोगों को मिर्ची लगा, लोग ऑडियो वायरल कर रहा था, ठीक है, मैसेज लिख के वायरल कर रहा था, तो फिर से सर ये मैसेज डाले, ठीक है, तो झूठ साबित होती दिख रही है। यही कारनामा के चलते अभिनव श्रीवास्तव सर इन लोगों को डांट कर भगा दिया, क्योंकि झूठ बोलकर मेरा शिकायत किया, कहीं यहाँ भी इन लोगों को ऐसा ना हो जाए, हकीकत होगा, यही हाल इन लोगों को देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, दिनांक 18/10/2024 के बाद एनएम की केस की सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट में हुई है तो उसका साक्ष्य के साथ कॉपी भेजे, अन्यथा आप लोग समझ ले कि कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। इस प्रकार इसकी झूठ की कलाई चौथी बार खुल गई है, और नहीं तो साक्ष्य अपने वकील से भी मांग कर दिखाए कि दिनांक 18/10/2024 के बाद कब केस की सुनवाई हुई है, जो जज साहब से काउंटर की कॉपी मांगी गई है। इस प्रकार के झूठे लोगों से सावधान रहे। अंत में जरूर कहूंगा, अभी तक जो तुम किया सभी को साक्ष्य के साथ मैं झूठा साबित कर दिया, लेकिन एक सलाह है, अभी भी बड़े औकात वाले हो तो काउंटर फाइल और एक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील रखकर दिखाओ। बिल्कुल सही बात है, अभी भी डिंग हागने से कोई फायदा नहीं है, काउंटर समय से फाइल कर दीजिए और सीनियर वकील रखिए, तब ना समझेंगे हाँ बहुत बड़े डिंग हाक रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं लोग से, ये बात तो हम डिफिनिट बता रहे हैं, इन लोग से नहीं होगा, ये लोग झूठ जितना बोल रहे, यही बात हम बोले थे तो हम पर लोग क्या किया था देखे थे, माला उला पहना दिया था, तो उसका रिलाई हम अलग से किए, उसके बाद सूर्य सर मैसेज किए हैं तो सूर्य सर पर लोग बरस रहा, तो सूर्य सर दो मैसेज डाले, इसी पर हम आपको बोले थे जो वीडियो बना कर हम आपको देंगे, समझे कि नहीं, तो सभी लोग समझ जाइए, 32,127 चैनल बंद समझ जाइए, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के द्वारा झूठ बोला जा रहा है और खेत को फंसाया जा रहा है। क्लियर हो गया, मैसेज में भी आप देख लिए, ऑडियो भी वायरल कर रहा है वो भी आप सुन लीजिए, जो ऑडियो में क्या बोला जा रहा है, समझे कि नहीं, और वो हम ग्रुप में भी ऑडियो जो है ना लोग के द्वारा जो है स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया, तो इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन लोग से समझ लीजिए जो 32,127 चैनल मानो कि ये लोग फीचर बर्बाद करने में लगे हुए हैं, समझे कि नहीं, कोई काउंटर फाइल नहीं होगी अलग से, बस जो मीना कुमारी काउंटर फाइल हुआ है उसी को टू कॉपी ये लोग जमा करेगा, समझे, तो यही कहानी आज सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पे चल रहा है,
व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, लोग एक दूसरे को जो है ना आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, समझे कि नहीं। ये स्थिति बनी हुई है और सिर पर सिर इसमें बच्चों पिसा रहे हैं, हमारे 32,127 जने मन पिसा रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग का सच्चाई जानिए, उस दिन हम आपको बोले थे, ठीक है, तो आप लोग को बुरा लगा था, सर आप सिर्फ गलत लोगों को साबित करते हैं। देखिए क्या है, आप देखिए क्या है, जो कौन गलत है कौन सही है। हम लोग के प्रबुद्ध ग्रुप पे आप लोग उंगली उठा रहे हैं, ठीक है, आप लोग उस दिन बोल रहे थे सर आप गलत है, तो कैसे गलत है, कहाँ गलत है, कहाँ हमारा प्रबुद्ध ग्रुप गलत है, कहाँ हम लोग गलत है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो पूरी जानकारी बता दी है और मिलते हैं नाइट में 9 PM में, सभी लोग 9 PM में लाइव आना नहीं भूलेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।